ओम शांति। 19/11/22 की मुरली है। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न है आज का, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता, यह तो नई बात है। ऐसे फत्तर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत है, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानु वाच, यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है, वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21वीं जन्म के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वे शास्त्र आदि सुनने के लिए, उसे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखाते हैं, जिसे आजीविका होती है। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं। कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले जाते हैं या दिन में ले जाते हैं, यह ही पति दुनिया। बाप भी कहते हैं कि सद्गति दाता एक है, जो आकर सबकी सद्गति करते हैं, फिर दुर्गति किसने की यह नहीं जानते। बाप समझाते अब असुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं तो असुरों से देवता बनने, यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छुपकर आए बैठे हैं। सब सेंटर पर ऐसे छुपे असुर विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल न सके। कहते न, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। उसी तरह से ये बुद्धि के अंदर एक तो अमृत रहेगा या तो विष रहेगा, क्योंकि बुद्धि रूपी घड़ा भी है जिसके अंदर हमें विष निकाल अमृत भरना है। वह फत्तर बुद्धि बन पड़ते हैं, बाप को पहचानते ही नहीं। निश्चय बुद्धि ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे आकर बैठ जाते तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है बस। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। यह है नई बातें। गाते भी शिव जयंती, परंतु फत्तर बुद्धि होने कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः। समझते वह परम धाम में रहते हैं, हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में ऐसे भी है जो फादर को नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है।
मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई। अव्यभिचारी माना एक की भक्ति करना। तो द्वापर में हमने पहले एक शिव की भक्ति की, फिर धीरे धीरे भक्ति भी रुद्धि को हो गई, तो कलयुग में वे बिचारी माना अनेकों की भक्ति करने लग गए। वे बिचारी और अव्यभिचारी में रात दिन का अंतर है। वह पाप आत्मा व पुण्य आत्मा, द्वापर में हम भले वांग मार्ग में जाते लेकिन इतने पाप आत्मा नहीं बनते हैं जो कलयुग में हैं। द्वापर में फिर भी कुछ पुण्यात्मा होते हैं, अभी कलयुग में तो बहुत पाप आत्मा है। अव्यभिचारी भक्ति ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है, कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब वे विचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन विकार भी जोर से बढ़ते जाते हैं। पहले सत्वप्रधान विकार थे, अभी तमोप्रधान विकार है, सब बिल्कुल ही तमोप्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं, शिव बाबा भी बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह है पतित पावन। परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़ी ही पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पीने के पानी से निकली ही पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का एक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं, उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं वह ज्ञान सागर से, ज्ञान सागर से आत्मा पावन बनते हैं, न कि पानी से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सके, तो यह पहले भी पूछना पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही है कि हे पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं। तो यह पहले भी येट करने चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है कि गीता का भगवान कौन, ये पहली बात बाबा कहते हल करो। पहले भी ऐड करने चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहली है वैसे यह भी पहली। ख्याल चलते तो है ना, क्या ऐसी चीज बनाई जो मनुष्य सदगति सदैव अपने पास यादगार रखे? अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वो फोड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं कि ऐसा करना चाहिए, ये किसको कहते हो? बाबा करेगा वा बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बच्चे करेंगे, बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपवाओ, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझाने अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं,
तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है, बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वह सच्चाई भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कोटों में कोई जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वह पद अच्छा पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने, याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएंगे तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी में, जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। ईसा भाई बड़ा भारी, अब यह कुंभ का मेला है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए यह है स्वदर्शन चक्र। यह बहुत अच्छी चीज है। यह ईश्वरी कोट ऑफ अमर्स है। यह तो ईश्वरी बातें हैं। स्लाइडर जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली न सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो है उनको एक टर्म में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश दो गोले भी चाहिए। यह नरक यह स्वर्ग, यह आज का भारत और यह कल का भारत। बाप सेकंड में जून मुक्ति देने वाला बैठा है। बाप को पहचानना, निश्चय हुआ बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका माना ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में नष्ट हुआ अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे, वह अच्छा बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की प्रतिज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप अभी सिखाते हैं, मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदारे त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग असुरी राज्य का विनाश होगा। असुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते। या बाबा कहते हैं देह से जो कुछ है सब कुछ भूल मामे कम याद करो, अपनी देह में भी न फंसो। किसी के देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे।
बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामे कम याद करो, तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते, देह अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना यह बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे, किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में बड़ी मेहनत है, नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विकर्माजीत कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो सौगुना हो जाता है। या तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो सौगुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को तो जानना सच है, इस गोले के नीचे लिखना है चक्र न कि चरखा। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, बच्चों को एक टर्म में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपने देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्ट मोहा जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। अच्छा, आज का वरदान है सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले। नंबर वन, विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिनमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। यह पर्सनालिटी सेवा में से सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उनके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांच विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे, तब नंबर वन विजयी बनेंगे। स्लोगन है आज का, हिम्मत का एक कदम रखो तो हजार गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो बाबा से हमें हजार कदमों की मदद मिल जाती है। अच्छा, ओम शांति।